चलिए आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के नवग्रह मंदिर से पुंछ के लिए त्रिशूल यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया है। बिल्कुल, 6 अगस्त से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। उत्साह और उल्लास से भरी ये तस्वीर त्रिशूल यात्रा की है। कड़ी सुरक्षा के बीच नवग्रह मंदिर से निकाली गई त्रिशूल यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां संपन्न हो गई हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 6 अगस्त को जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से पुंछ जिले के लिए रवाना होगा, जहां बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी सिलसिले में एक दिन पहले 4 अगस्त को नवग्रह मंदिर से विधिवत तरीके से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यहां नवग्रह मंदिर से एक त्रिशूल बैंड यात्रा, जो हमें त्रिशूल बैंड करने के लिए आ रहे हैं, वो यात्रा निकाली गई है। यहाँ हमारे स्वर्गीय माननीय यशपाल शर्मा जी के बेटे हैं डॉक्टर जी, वो आज हमें त्रिशूल बैंड करने के लिए यात्रा लेके आए हैं। और आप देख रहे हो ये त्रिशूल यहाँ पे स्थापित होगा, विधि पूर्वक ये स्थापित होगा, इसकी पूजा अर्चना होगी यहाँ पे। नवग्रह मंदिर से निकली त्रिशूल यात्रा ढोल बाजों और धार्मिक गीतों के बीच कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां पर मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल को स्थापित किया गया। हर साल श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले त्रिशूल यात्रा निकाल कर यात्रा के स्वागत स्थल पर त्रिशूल स्थापित किया जाता है। मेरी लोगों से पुरजोर अपील रहेगी कि यहाँ प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, अमन शांति है, सभी लोग जो हैं मिल करके इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तबके के लोग जो हैं इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा यात्रा में शामिल हों, इस यात्रा को कामयाब बनाएं। दरअसल पुंछ में भगवान शिव से जुड़ा ये एक और तीर्थ स्थल है, जिसे बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमर कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से हुई थी। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बिना बाबा अमरनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी।